Delicious Brings. You are watching Supriya Punya and I scored 621 in NEET 2020. So today I'm gonna discuss a basic question ki kaun se YouTube channels apan ko prefer karne chahiye NEET ki preparation ke time. So main wo bataungi jo maine khud ne pure saal jinse acche se padhai ki regularly ki. So I'm going to start with biology. तो बायोलॉजी में अपने पास दो ऑप्शन होते हैं. एक बार कई बार अपन को क्या होता है कि टॉपिक पढ़ना होता है, एट द सेम टाइम अपने को कभी पूरा चैप्टर पढ़ना होता है. फॉर पर्टिकुलर टॉपिक आई वुड सजेस्ट आप रितु रतिवाल मैम के लेक्चर्स देखो. लाइक यू वांट टू स्टडी ETS, यू वांट टू स्टडी DNA फिंगरप्रिंटिंग, कॉकरोच, ऐसा तो आप रितु रतिवाल मैम को देखें. शी इज़ फ्रॉम अन अकेडमी. द बेस्ट थिंग अबाउट हर दैट शी कवर्स ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT सो वाइजली दैट यू कांट स्टॉप थैंकिंग हर ऑल द डे. एंड समटाइम्स यू वांट टू स्टडी सम एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स, सो यू शुड गो फॉर ओजोन क्लासेस विपिन शर्मा सर. लाइक अर्थवॉर्म है, अभी तक जब मैं पढ़ रही थी तो अर्थवॉर्म मुझे पूरे YouTube पे कहीं भी नहीं मिला, बट ही वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया था. एंड नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी द होल चैप्टर, लाइक यू जस्ट वॉन्ट गो फॉर जेनेटिक्स, तो आप बायोमेटर्स से पढ़ें. लाइक इट वुड बी द बेस्ट इवन. बहुत सारा इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको NCERT और उसके बाहर इक्वली. एंड नाउ फॉर फिजिक्स, 11th के लिए मैंने पढ़ा था नमो सर से फ्रॉम अन अकेडमी JEE. दैट वाज रियली सुपर. JEE का पोर्शन भी थोड़ा था, बट जो अगर आप JEE के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो सो योर कॉन्फिडेंस विल लिटरली बूस्ट अप टू द हाइएस्ट लेवल. क्या मैं JEE के इतने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो नीट के तो बहुत ईजीली मैं कर पाऊँगी. सो फॉर 11th मैंने अन अकेडमी JEE से पढ़ा. फॉर 12th ऑब्वियसली फिजिक्स वाला ईच एंड एवरी टॉपिक 12th का बहुत अच्छे से उन्होंने डाल रखा है. एंड इफ यू जस्ट वॉन्ट एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, एंड ऐसा ही नहीं कि नॉर्मल ओवरव्यू, लाइक दैट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, यू शुड मस्ट वॉच आशीष अरोड़ा सर फ्रॉम फिजिक्स गैलेक्सी. लाइक उन्होंने बनाया है चेकलिस्ट बनाया है उन्होंने, एंड दोज चेकलिस्ट वर लाइक बेस्ट एवर. मैंने मेरे लाइफ लास्ट के 5 दिन में वो सारे पढ़े थे. एंड फ्लूइड मैकेनिक्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, बट सर के वो लेक्चर ही आई थिंक एक लेक्चर में किया होगा उन्होंने एक चेकलिस्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड दैट वॉज मोर देन इनफ टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, नॉट फ्रॉम नीट एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बट फ्रॉम द होल मॉड्यूल. एंड फॉर केमिस्ट्री तो मैं ज़्यादा यूट्यूब से पढ़ी नहीं, मैंने खुद की नोट्स और कोचिंग क्लासेस ज़्यादा प्रेफर करी थी, बट स्टिल नीट में DG चैनल से अरविंद अरोड़ा सर एंड वेदांतो कैटालिसिस से पाहुल सर एंड अन अकेडमी JEE इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो दीज वर द बेसिक चैनल्स यू शुड प्रेफर, एंड आई होप इट हेल्प यू अ लॉट. थैंक यू.